my channel Study with Aarti Gupta. Today I am in front of you with a new video lecture related to A Woman Killed with Kindness. It is written by Thomas Haywood and it was published in 1607. And this play exactly has 5 acts. आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है. स्पेशली आपको ये टाइटल से समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या होने वाला है. अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस. एक वुमेन जिसको कि मार दिया जाता है किसकी वजह से, काइंडनेस की वजह से. तो आइए देखते क्या है. मास्टर फ्रैंकफोर्ड एंड एने फ्रैंकफोर्ड, दे बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ. ये बहुत ही अच्छे हस्बैंड वाइफ होते हैं और ये लोग अपनी जो मैरिज है उसको एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. और यहाँ पे जो मास्टर फ्रैंकफोर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है ये सोच के कि मैं बहुत लकी हूँ, बाय बर्थ भी मैं बहुत लकी हूँ और जो मैंने अपनी लाइफ के लिए एक पार्टनर चुना है उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली है आने के लिए सोचते हैं ये चीज़. उसके बाद दिखाते हैं कि इस टाइम पे फ्रैंकफोर्ड का फ्रेंड मास्टर वेंडॉल इससे मिलने आता है घर पे. तो ये उसको अपने साथ बिठाता है, उसे बात करता है. लेकिन एग्जैक्टली जो मास्टर वेंडॉल होता है इसका, इसकी वाइफ मतलब फ्रैंकफोर्ड की वाइफ अन्य फ्रैंकफोर्ड से इसको थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन ये कभी भी उसको मतलब डायरेक्टली नहीं एक्सप्रेस कर पाया है. उसको बोलता तो है लेकिन इस तरीके से मतलब इनडायरेक्टली हर एक वे से उसको ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ. लेकिन अभी यहाँ पे अन्य कोई भी रिस्पॉन्स उसको नहीं करती है क्योंकि वह ऐसे बहुत ज़्यादा हेजिटेट होती है. अब उसके बाद फ्रांसिस और चार्ल्स, फ्रांसिस जो कि आने का भाई होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये और चार्ल्स ये दोनों लोग जाते हैं हंटिंग पे और कहाँ पे, हॉकिंग पे. ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो फ्रांसिस का और चार्ल्स का वहाँ पे झगड़ा हो जाता है हंटिंग की वजह से. कि एग्जैक्टली हंटिंग में एक फाल्कोनर होता है, उस फाल्कन का सबसे अच्छा हंट किसने किया. झगड़ा हो जाने के बाद यहाँ पे इन लोगों की जो फाइट होती है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि चार्ल्स फ्रांसिस के 2 मैन को मार देता है. और मारने के बाद अब चार्ल्स पे क्या कर दिया, फ्रांसिस ने केस फाइल कर दिया है और चार्ल्स ना बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है. और चार्ल्स यहाँ पे अपने घर वापस आता है और अपनी बहन से मिलता है, इसकी बहन जो कि यहाँ पे सुशन होती है. सुशन यहाँ पे चार्ल्स की बहन है. तो सुशन चार्ल्स को बोलती है कि ऐसा करो कि तुम यहाँ से भाग जाओ और जो भी होगा मैं देख लूंगी. तो चार्ल्स बोलता है नहीं, मैं यहाँ से भाग के नहीं जाऊंगा, जो भी रिजल्ट होगा सामने उसको फेस करेंगे, देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है. और यहाँ पे चार्ल्स बना रहता है, चार्ल्स यहाँ से नहीं भागता है. लेकिन अब चार्ल्स की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि इसको जेल जाना पड़ता है. जेल से बहुत मुश्किल के बाद इसको बेल करा के इसको वापस लाया जाता है. वापस लाने के बाद अब स्टोरी टर्न होती है एने की तरफ. यहाँ जो वेंडॉल है ये एने को बार बार प्रपोज कर रहा है, उसको हर एक रास्ता अपनाता है उसको कन्वेंस करने का. उसको कन्वेंस करता है, उसको बहलाता फुसलाता है. पहले तो एने इसको रिजेक्ट कर देती है लेकिन ग्रेजुअली वो उसको एक्सेप्ट करती है. इसका हार्ट मेल्ट होने लगता है और इन लोगों का एक रोमांटिक अफेयर स्टार्ट हो जाता है बिहाइंड हर हस्बैंड फ्रैंकफोर्ड. इनका अफेयर स्टार्ट हो गया है और अब ये जो निकोलस है, निकोलस को इसमें बोला गया है निक, इसका शॉर्ट नेम निक होता है. निक यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है वेंडॉल को. तो वो सोचता है कि अब जब भी वेंडॉल घर पे आएगा मैं इसकी बिल्कुल भी सर्विस नहीं करूंगा. और ये निकोलस मैंने बताया सर्वेंट है इसका, फ्रैंकफर्ट का और एने फ्रैंकफर्ट के घर पे सर्वेंट होता है. अब इसके बाद इन लोगों का अफेयर स्टार्ट हो चुका है. ये सारी चीजें निक क्या कर रहा है, नोटिस करता है. लेकिन जब इन लोगों का अफेयर एंडेड हो गया था तब ये जो
वेंडोर होता है एनी को बहुत ज्यादा अब्यूजेस करता है। ये चीज निक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और निक यहाँ पे अपने मास्टर को मतलब यहाँ पे फ्रैंक फर्ड को सारी चीजें बता देता है कि किस तरीके से एनी और वेंडोर का एक रोमांटिक अफेयर चल रहा था और जो अभी की अभी लास्ट हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से लास्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे फ्रैंक फर्ड और निक एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं, एक प्लान डेवलप करते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, रंगे हाथों एने को और वेंडोर को पकड़ेंगे। यहाँ पे उन लोगों की स्टोरी चल रही होती है, वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं और उसी बीच में अब स्टोरी आती है यहाँ पे चार्ल्स की, सुसन की और फ्रांसिस की। चार्ल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है, कैसे भी करके बेल हो गई है, ये घर वापस आ गया है, लेकिन उसके बदले जो चार्ल्स को पे करना पड़ा वो पे करना पड़ा, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी जितनी भी मनी जो भी था वो सब उसको वहां पे देना पड़ा। अब ये बहुत ज्यादा सुसन और चार्ल्स से बहुत ही ज्यादा पुअर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। फ्रांसिस यहाँ पे अभी फिर भी पीछे नहीं है बदला लेने से, तो फ्रांसिस बोलता है कि मैं चार्ल्स की बहन इधर सुसन को मैं सिड्यूस करूंगा, जिसकी वजह से चार्ल्स को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी और वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये इस चीज को जॉय में ले रहा है। फ्रांसिस जाता है सुसन के पास और सुसन को इंटेंशन उसका ये होता है कि मैं सुसन को सिड्यूस करूंगा, बट जब वो उसको देखता है तो एट द फर्स्ट साइट ही फॉल्स इन लव विद हर वेरी बैडली। और उसके बाद अब फ्रांसिस क्या करता है, अब वो सुसन को प्यार करने लगा है तो वो जितना भी डेप्ट होता है चार्ल्स के ऊपर वो सारा डेप्ट फ्रांसिस यहाँ पे कर देता है। इसके पहले फ्रांसिस ने जब मनी भेजी थी तो ये देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इसकी बहन सुसन कि चलो ठीक है मुझे पैसा मिला अब मेरी हेल्प हो जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको जब ये पता चलता है कि ये मनी एग्जैक्टली किसने भेजी है, ये मनी भेजी है फ्रांसिस ने, तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उस पैसे को वो वापस भेज देती है। लेकिन फिर फ्रांसिस मतलब बिना सुसन को बताए हुए उसकी हेल्प करता है चार्ल्स की, चार्ल्स का सारा डेब्ट पे हो जाता है। अब चार्ल्स ये सोच रहा है कि अगर मेरी बहन सुसन की शादी इसके साथ हो जाएगी, इसके साथ हो जाएगी फ्रांसिस के साथ, तो यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। क्यों क्यों अच्छा होगा कि वो फ्रांसिस उसका सारा पैसा दे देगा, वो इस वजह से वो अपनी बहन को तैयार करवा लेता है कि वो फ्रांसिस से शादी कर ले। पहले तो उसकी बहन मना करती है लेकिन फिर बाद में बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं शादी कर लूंगी, लेकिन पहले वो कहती है कि फ्रांसिस से शादी करने से ये ज्यादा बेटर है मेरे लिए कि मैं डेथ अडॉप्ट कर लूं। अब इसकी बहन तैयार हो चुकी है। अब स्टोरी टर्न होती है यहाँ पे फ्रैंकफर्ट की तरफ, फ्रैंकफर्ट और एनी फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट जो कि एक प्लानिंग कर चुका है तो वो एनी से बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तो तुम अकेले ही रहना है तुमको घर पे, तो बोलती है कि हाँ ठीक है। और जैसे ही फ्रैंकफर्ट जाता है कुछ टाइम के बाद वेंडोर आ जाता है घर पे, ये वेंडोर जिसका कि अफेयर यहाँ पे एनी के साथ चल रहा था, ये आ जाता है, ये और फिर से अन्य को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करता है और उसे ये बोलता है कि चलो हम लोग ना तुम्हारे प्राइवेट चैम्बर पे जाके हम लोग डिनर करेंगे, और उसके बाद उसका इंटेंशन ये होता है कि हम लोग डिनर के बाद एक फिजिकल रिलेशन डेवलप करेंगे। यहाँ पे अन्य उसकी बात में आ जाती है और उसके साथ उसको बेडरूम में लेके चली जाती है। और उसके बाद एंट्री होती है फ्रैंकफर्ट की। जब फ्रैंकफर्ट आता है तो वो ये देखता है कि एनी और वेंडोर एक साथ बेड पे होते हैं, वो वेंडोर को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वेंडोर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे जो फ्रैंकफर्ट होता है वो एनी को देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो
अपने दोनों बच्चों को बुलाकर उनके सामने ही एने को बहुत ज्यादा डांटता है, उसको बहुत इंसल्ट करता है और उसको बोलता है कि तुम अपनी जरूरत के हिसाब से सारा सामान पैक कर लो, अपने कपड़े पैक कर लो, तुम जो भी चाहती हो तुम वो सामान यहाँ से पैक कर लो और अपना फेवरेट, तुमको जो भी अच्छा लगता हो सर्वेंट उसको तुम ले लो और इस मैनर फॉर्म को छोड़ के चली जाओ यहाँ से 7 माइल्स दूर। यहाँ पे अन्ने यहाँ पे चली जाती है लेकिन वो अपना ल्यूट छोड़ जाती है, ल्यूट छोड़ जाती है, वो रास्ते में ही होती है, जा रही है। जब यहाँ पे फ्रैंक फर वापस आता है तो देखता है कि उसका ल्यूट पड़ा हुआ है, ल्यूट पड़ा हुआ है और तो उसको देख के उसको बहुत दुख होता है। वो निक को, अपने सर्वेंट निक को बुलाता है और ल्यूट देता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ल्यूट, ल्यूट का मतलब होता है ना वीणा। तो कहता है ये जाके ये ल्यूट तुम जाओ और ये वापस एने को दे के आओ जो कि भी रास्ते में है। यहाँ से निकोलस जाता है और ये ल्यूट लेता है, उसको जाके दे देता है। तब एने बोलती है कि तुम फ्रैंकफर्ट को बोलना कि वो दुखी ना हो, जो मैंने किया है उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है, अब आज के बाद से मैं ना तो कुछ खाऊंगी ना ही मैं कुछ पीऊंगी, ये बात जाके तुम फ्रैंकफर्ट को बता देना। अब यहाँ पे ये निक वापस आ गया है और यहाँ पे चार्ल्स की, चार्ल्स ने अपनी बहन सुसन की शादी करा दी है फ्रांसिस से। अब चार्ल्स, फ्रांसिस और सुसन मिलने जाते हैं किसी एने से, क्योंकि ये मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे एने की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और अन्य यहाँ पे इस टाइम अपने डेथ बेड पे होती है। तो ये इंफॉर्मेशन जाके बताते हैं किसको, मास्टर फ्रैंकफर्ट को। जब फ्रैंकफर्ट को ये चीज पता चलती है तो वो, उसको बहुत अफसोस होता है, तो वो कहता है कि जाके एने को बता दो कि मैंने तुम्हें माफ कर लिया है और मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ये लोग जाके ये बात बताते हैं अन्ने को और उसके बाद फ्रैंकफर्ट की एंट्री होती है। लेकिन जब तक फ्रैंकफर्ट यहाँ पर आता है तब तक अन्ने की डेथ हो चुकी होती है और डेथ के बाद यहाँ पे मास्टर फ्रैंकफर्ट को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है, वो बहुत ही ज्यादा पछतावा करता है और यहाँ पे इसी तरीके से ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो मैंने सैफ्टन लिखा है इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बहुत माइनर सा रोल है इसका। ये है कि जब चार्ल्स बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसकी बेल हो जाती है, उस बेल में इसके पास जितना भी प्रॉपर्टी होती है ये सारी अपनी प्रॉपर्टी दे देता है। उसके बाद जब कुछ नहीं बचता है तो सैफ्टन यहाँ पे चार्ल्स को पैसे देता है, मतलब उसके घर के बदले उसको पैसे देता है और फिर उससे जब पैसे मांगता है तो चार्ल्स वो पैसे नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से सैफ्टन उसको क्या करता है, वार्निंग देता है कि मैं तुम्हारा घर ले लूंगा। सिर्फ यहाँ पे सैफ्टन का इतना रोल होता है, एग्जैक्टली जो मेन कैरेक्टर्स इतने ही होते हैं, मास्टर फ्रैंकफर्ट, एने फ्रैंकफर्ट जो हस्बैंड वाइफ है, फ्रांसिस जो एने का भाई है और लास्ट में इसकी शादी हो जाएगी सुसन से जो कि चार्ल्स की सिस्टर होती है, वेंडॉल जो कि फ्रैंकफर्ट का फ्रेंड होता है। लेकिन इसकी वजह से ही, यही एक मेन रीजन होता है जो कि एने की कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन वेंडॉल बाद में जब एने चली जाती है 7 माइल से दूर तो वेंडॉल उससे मिलने जाता है एने से, एने को कंसोल करता है, लेकिन एने यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और ये बोलती है कि यू आर अ डेविल, यू आर अ फ्लाइज। और यहाँ पे इस तरीके से वेंडॉल यहाँ पे रोल प्ले करता है निकोलस निक, जिसकी वजह से ही फ्रैंकफर्ट को चीजें पता चलती है कि एग्जैक्टली उसके पीठ के पीछे क्या हो रहा है। और इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई एम श्योर कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊं जिससे आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। थैंक यू सो मच।